फ्रेंड्स, आपको वो टाइम तो याद होगा जब आप कीपैड फोन्स में रेसिंग गेम खेला करते थे, लेकिन उस वक्त आपको इतने अच्छी ग्राफिक्स और कंट्रोल नहीं दिया जाता था कि आप एक अच्छा रेसिंग एक्सपीरियंस ले सके। लेकिन फ्रेंड्स, जब से एंड्रॉयड फ़ोन्स आए हैं तब से रेसिंग गेम्स की दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। अब आप अपने छोटे से एंड्रॉयड फ़ोन पर अच्छा रेसिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं विकास आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 एंड्रॉयड गेम्स जो कि आपको एक अच्छा रेसिंग एक्सपीरियंस दे पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारे सीरीज का पहला रेसिंग गेम है Asphalt 8 Airborne। फ्रेंड्स, Asphalt 8 Airborne 2013 का एक कमाल का वीडियो रेसिंग गेम है जिसे गेमलॉफ्ट ने पब्लिश किया है। ये गेम आपको सबसे बेस्ट रेसिंग और ट्रिक्स प्रोवाइड कराता है जो कि हमें इस गेम से काफ़ी अच्छी तरह से अटैच करता है। फ्रेंड्स, बात करें इस गेम की ग्राफिक्स की तो आपको इस जगह कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि इस गेम की ग्राफिक्स और इसका एनवायरनमेंट काफ़ी कमाल का है। अगर मैं Asphalt 8 को एंड्रॉयड गेमर्स का ऑल टाइम फेवरेट गेम कहूँ तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि एंड्रॉयड गेमर्स ने इसे काफ़ी प्यार दिया। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सीरीज़ में अपने अगले गेम की ओर। तो हमारी सीरीज़ का अगला गेम है ग्रिड ऑटो स्पोर्ट। फ्रेंड्स, ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एक रेसिंग वीडियो गेम है जो कि कोडमास्टर द्वारा डेवलप्ड है। अगर इस गेम की ग्राफिक्स का कंपैरिजन हम Asphalt 8 से करें तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी है। ये गेम एक तरह से आपको रियल रेसिंग एक्सपीरियंस देता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें इस गेम के कंट्रोल की तो मैं कहूँगा एंड्रॉयड डिवाइसेस के हिसाब से काफ़ी कंपेटेबल है और इसका इंटरफेस और इसमें आने वाली कार्स की डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल की है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ग्रिड ऑटो स्पोर्ट एक कमाल का हाई ग्राफिक रेसिंग गेम है जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले गेम की ओर। तो हमारी सीरीज का तीसरा गेम है Asphalt 9 लीजेंड। फ्रेंड्स, Asphalt रेसिंग गेम की एक काफ़ी लंबी सीरीज है लेकिन इस वीडियो में हम केवल जो मेन गेम है उन्हीं को ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी ग्राफिक्स और जो एनवायरनमेंट होता है गेम का वो अवेलेबल हो सके। तो फ्रेंड्स, हम वापस अपने गेम पर आते हैं यानी कि Asphalt 9 लीजेंड पे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो गेम प्ले होगा वो बिल्कुल Asphalt 8 की तरह ही होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस गेम की जो ग्राफिक्स है और कार्स की जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। ओवरऑल हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप Asphalt 8 का एक अपग्रेड वर्जन खेलना चाहते हैं तो आप Asphalt 9 को ट्राई कर सकते हैं। हालांकि जो एंड्रॉयड गेमर्स हैं उनको Asphalt 8 ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर Asphalt 9 के। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले गेम की ओर। तो इस सीरीज़ का हमारा चौथा गेम है नाइट्रो नेशन ड्रैग एंड ड्रिफ्ट। फ्रेंड्स, इस गेम को क्रिएटिव मोबाइल गेम्स द्वारा ऑफर किया गया है। इस गेम की ग्राफिक्स और कंट्रोल एंड्रॉयड डिवाइसेस के हिसाब से काफ़ी कंपेटेबल है। इस गेम में आपको कमाल का एनवायरनमेंट दिया जाता है और बात करें अगर इस गेम के ऑडियो और विजुअल की तो वो भी काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, ये एक ऑनलाइन गेम है इसलिए आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन रेसिंग गेम्स को ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं आपको नाइट्रो नेशन ड्रैग एंड ड्रिफ्ट को एक बार खेलने के लिए ज़रूर कहूँगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले गेम की ओर। तो हमारे सीरीज का आखिरी गेम है नीड फॉर स्पीड नो लिमिट। फ्रेंड्स, हमारा ये गेम बिलोंग करता है एक फ्रेंचाइजी को और इसे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स द्वारा ऑफर्ड किया गया है। इस गेम में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए जाते हैं। इस गेम का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इस गेम की रेसिंग। फ्रेंड्स, इस गेम में होने वाली रेसिंग काफ़ी कमाल की। पुलिस की गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर्स आपका पीछा करते हैं, आपको इनसे बचकर आगे बढ़ना होता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि काफ़ी मज़ा आता है और कम साइज़ में काफ़ी अच्छा गेम है जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।